चाहे मुहर्रम हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, कानून का राज हमारी प्राथमिकता है। कोई कानून के राज से छेड़छाड़ करिएगा, कानून के नज़रों में दोषी पाइएगा, कानून के तहत उनको जमींदोज करेंगे। कहा यह जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो ब्रह्मलोक में नहीं पढ़ाया जाता है। 33 करोड़ देवता आए हुए हैं, आकर के बताइए हमको स्वप्न में कि सम्राट चौधरी का असली नाम क्या है। जिसका हृदय ही हिटलर में बसता हो तो उसको इस देश के संविधान, इस देश के झंडा, इससे कोई लेना देना है? इन्होंने डिग्री कहाँ से लिया? कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। अब वो ब्रह्मांड में है ही नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि शिक्षकों पर अगर वो सीएल लेकर के गए, उन पर दमन भी नहीं होना चाहिए। कहा यह जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो ब्रह्मलोक में नहीं पढ़ाया जाता है। अब आदरणीय सम्राट चौधरी जी मैट्रिकुलेशन पास है, सम्राट चौधरी मौर्य से, इनका नाम है सम्राट चौधरी राकेश कुमार, विभिन्न हलफनामे में, सर्टिफिकेट में। इन्होंने डिग्री कहाँ से लिया? कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। अब वो ब्रह्मांड में है ही नहीं। कौन? पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी, ये कहीं मिलता ही नहीं है खोजने पे। तक कहाँ से एमए पास किए कि बिना एमए पास किए डीलिट का डिग्री ले लिया? और पगड़ी अगर आपने बांध लिया है, 24 घंटा पगड़ी बांधे रहिएगा संकल्प के आलोक में, तो गंदगी फैलेगी। तो गंदगी फैला रहे हैं तो आप आदरणीय नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के अभियान को पलीता लगा रहे हैं। और गंदगी फैलाने के चलते भाजपा के कार्यकर्ता भी, चूंकि अभी तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, राजनीति में भी इम्यून सिस्टम आप लोग का कमज़ोर है, बिहार में सत्ता से बाहर है, कोविड के बाद ये चुनौती भी है। तो आदरणीय सम्राट चौधरी के पगड़ी से जो संक्रमण फैल रहा है, उससे इस बात की आशंका है कि भाजपा के कार्यकर्ता कहीं संक्रमित न हो जाए और नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के अभियान को पलीता न लग जाए। राजगीर हम गए और 33 करोड़ देवता वहाँ हुए मलमास में, और ये फर्जी हिंदू जो केंद्र सरकार है उसने उसको राष्ट्रीय मेला का दर्जा नहीं दिया, नीतीश कुमार जी ने उसको राजकीय मेला का दर्जा दिया, और वहाँ टेंट सिटी से लेकर के वहाँ देखने लायक जगह हुआ हो गया है। तो हमने विनती किया कि हमको तो गूगल पर नहीं मिल रहा है गूगल बाबा, शंकर भगवान की पूजा सावन में कर रहे हैं वहाँ भी नहीं मिल रहा है, महादेव का रुद्राभिषेक में भी हमको ज्ञान नहीं हो रहा है। 33 करोड़ देवता आए हुए हैं, आ करके बताइए हमको स्वप्न में कि सम्राट चौधरी का असली नाम क्या है, सम्राट चौधरी ने किस विश्वविद्यालय से बीए एमए पास किया, इंटर किया है कि नहीं किया। अंक जो आया है वो तो हम बोलने लायक नहीं है, बहुत खराब बीपीएल टाइप का अंक है। तो ये फर्जी डिग्री, फर्जी नाम और फर्जी पगड़ी है क्या? इसका आत्मज्ञान हमको स्वप्न में दें, यह हम भगवान से 33 करोड़ देवता से विनती किए हैं। एकदम ज्ञान विपक्ष को एकत्रित करने के लिए इंडिया नाम दिया गया विपक्ष को, लेकिन बीजेपी कहीं कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई तो कहा ना, बीजेपी तो उस विचारधारा का है ना, तो 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के पांचजन ने कहा तिरंगा 3 रंग का है, 3 अशुभ है, देश के लिए अशुभ होगा। तो जिसका हृदय ही हिटलर में बसता हो तो उसको इस देश के संविधान, इस देश के झंडा, इससे कोई लेना देना है? तो इंडिया नाम से तो इनको परहेज रहेगा ही, चूँकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ही परहेज है, संविधान बदलना चाहते हैं ये। सर एक सवाल है, शिक्षा मंत्री कई दिनों से ऑफिस नहीं जाते, क्या मामला है? देखिए, शिक्षा मंत्री का वो मामला है, वो इस संबंध में स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्य दक्षता के बारे में आम लोगों को एहसास हो रहा होगा, आपके मध्यपुरा में भी विद्यालय में जो उपस्थिति और शिक्षक हमारी पूंजी है, हमने नियुक्त किया है उनको, और देश में पहला राज्य है बिहार जो पंचायत नगर निकाय नियमावली बना करके 60 वर्ष का उनका उम्र सीमा भी तय किया। अब वो नहीं जा रहे हैं, उसका कारण तो वही बताएंगे, लेकिन हम यह समझते हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती हमारे लिए है। अगर हम गरीबी रेखा में देश में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं तो शिक्षा में भी बेहतर करने की अपेक्षा हमारी है। एक तरफ आप शिक्षक को कहते हैं डेली स्कूल जाता है, लेकिन शिक्षा मंत्री ही खुद नहीं आते हैं। अब इस संबंध में तो हम कोई प्रतिक्रिया देने के अधिकारी भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि शिक्षकों पर अगर वो सीएल लेकर के गए, उन पर दमन भी नहीं होना चाहिए।
चूँकि यह तो शिक्षकों के स्वाभिमान के खिलाफ है। साथ ही साथ हमारी अपेक्षा यह भी है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वह जो एक प्रयास किया जा रहा है विभाग के द्वारा, यह निश्चित रूप से आम आवाम उसकी सराहना कर रहा है और शिक्षक की भी अपनी उपस्थिति को लेकर कहीं आपत्ति नहीं व्यक्त करते हैं। कल मुहर्रम था सर, और कई जगहों से खबर आ रहा था मुहर्रम के दौरान कई जगह हादसे हुए थे। बीजेपी लगातार और आरोप लगा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था जीरो है। मैंने तो आंकड़े के माध्यम से बता दिया कि देश में सबसे कम इंटरनेट सेवा बाधित अगर कहीं रहा है तो बिहार में रहा है। इनके पड़ोस के उत्तर प्रदेश में आप हालत देख लीजिए, डेटा सार्वजनिक है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरनेट की सेवा बाधित हुई तो नरेंद्र मोदी के शासन काल में। उसका कारण स्पष्ट है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वोट के ऐसे सौदागर हैं जो गाय गोबर मांस लव जिहाद, चाहे मुहर्रम हो चाहे होली हो चाहे ईद हो, कानून का राज हमारी प्राथमिकता है। कोई कानून के राज से छेड़छाड़ करिएगा, कानून के नज़रों में दोषी पाइएगा, कानून के तहत उनको जमींदोज करेंगे।